नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, NIVS ऑन डिमांड। फरवरी, जनवरी, मार्च के लिए पोर्टल खुल चुका है। आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना सीट बुक कर लें। तो सबसे पहले आप फॉर्म देखिए, इंडिया, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि 50-50 सीट पर डे है। 10 जनवरी से एग्ज़ाम होगा। आप देख सकते हैं RC इलाहाबाद केंद्रीय विद्यालय में सेंटर होगा। और आगे हम देखते हैं कि सीट कितना है। चूँकि लेट खुलने के कारण 1 तारीख से सीट नहीं खुला है, 10 तारीख से खुला है। पर डे 50-50 सीट है। आप लोग जल्दी से अपना सीट बुक करें। यहाँ पर कोई लास्ट डेट नहीं होता है। सीट समाप्त तो डेट समाप्त। यहाँ पर ऑनलाइन टिकट की तरह बुकिंग होती है, इसलिए आप बिना विलंब किए जल्दी से अपना सीट कंफर्म करें। यदि आपको भरने में परेशानी हो रही है या आप नहीं भर पा रहे हैं तो 9453081534 पर व्हाट्सएप करके आप अपना डिटेल भेजें। आपका पूर्ण सहायता मैं करूंगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं कितनी सीट है। तो हमने उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद अभी लिखा हुआ है। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट पर आते हैं। यहाँ पर भी वही है, जनवरी के लिए इतने लिए केंद्रीय विद्यालय फिर से वही खुला हुआ है। आगे हम ये है फरवरी के लिए, फरवरी में 1 तारीख से सीट बुकिंग हो रहा है इलाहाबाद में ही। मैंने वहाँ पर जनवरी दिखाया था, यहाँ पर इलाहाबाद का फरवरी दिखा रहे हैं। 1 तारीख से खुला है, 50-50 सीट है। आगे देखिए, मार्च का भी 1 तारीख से खुला हुआ है। और 1, 2, 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 में पर डे 50-50 सीट है। तो इस तरह आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार मंथ सेलेक्ट कर इलाहाबाद रीजनल सेंटर पर केंद्रीय विद्यालय में जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसी उत्तर प्रदेश के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कि चलिए तो हम फॉर्म भरते हैं। इंडिया पहले से ही है, स्टेट में हम उत्तर प्रदेश डालेंगे। तो उत्तर प्रदेश पर हम टिक कर लेते हैं। आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट में मैंने वाराणसी डाला है। तो देख रहे हैं कि वाराणसी का नहीं खुला है। इसका मतलब कि वाराणसी के केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब किसी भी कारणवश, हो सकता है सेंटर ना लिए हों या बोर्ड कोई नया सेंटर बना दिया हो, इसलिए यहाँ पर सेंटर नहीं दिखा रहा है। वाराणसी का सेंटर कैंसिल है इस बार के लिए। भविष्य में क्या होगा वो बोर्ड जाने और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल जाने। तो फिर आगे हम देखते हैं कि और किसी स्टेट में कितनी सीट है और चलिए देख लेते हैं। आगे देखते हैं, चेंज करते हैं स्टेट।
और डिस्ट्रिक्ट। तो हमने देखा बरेली डिस्ट्रिक्ट एक नया सेंटर बना हुआ है जहां पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बरेली कैंट में भी 10 तारीख 11 तारीख 17 18 19 3 दिन वीक में 3 डेज सीट दिखा रहा है। 10 11 12 17 18 19 24 25 और 31 ये है जनवरी माह का। इसी तरह फरवरी में 1 तारीख से स्टार्ट है जैसा कि इलाहाबाद सेंटर पर था, यहाँ पर भी 50 सीट है और आप आगे देखेंगे कि फरवरी में क्या है। आगे हम क्लिक करके देखते हैं कि फरवरी में क्या है। फरवरी में भी 1 तारीख से एग्ज़ाम होगा और वहाँ पर भी इतने भी 50 सीट होगा। चलिए आगे देखते हैं, बरेली हो गया, बरेली में भी इतने भी जनवरी फरवरी मार्च के लिए ओपन है। सीट आप देख रहे हैं कि 50-50 सीट पर डे है। तो आप जल्दी से इतने से ऑन डिमांड में एडमिशन लें। ऑन डिमांड में आपकी इच्छा अनुसार विषय सेलेक्ट होता है, डेट आपके इच्छा अनुसार सेलेक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट आपके इच्छा अनुसार सेलेक्ट होता है, आपके डिमांड पर होता है, यहाँ तक कि स्टेट भी आप अपने डिमांड पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूपी सेलेक्ट कर सकते हैं, नोएडा सेलेक्ट कर सकते हैं, कानपुर सेलेक्ट कर सकते हैं, इलाहाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं, बरेली सेलेक्ट कर सकते हैं, पटना सेलेक्ट कर सकते हैं यानी बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं किसी भी स्टेट को, उत्तराखंड किसी भी स्टेट को सेलेक्ट करके वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स को लेंगे। अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं नोएडा का जो हेडक्वार्टर है, नोएडा हेडक्वार्टर में 400 सीट है। आप देख रहे हैं कि 10 को 11 को 12 को 17 को 400 सीट है, यहाँ पर सीट पर्याप्त है। इसलिए आप अगर नोएडा सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो आराम से सीट बुकिंग हो सकती है और आप अच्छे तरह से इतने से तैयारी करके जाके सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर सीट की तो कमी नहीं है, लेकिन आप जल्दी करें क्योंकि यहाँ भी इतने भी सीट बहुत तेज़ी से इतने से बुक होता है। आप जल्दी जाएंगे इतने के तो जल्दी से इतने से अपना एडमिशन कंफर्म कर लेंगे और आपका डेट फिक्स हो जाएगा तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए ओपन है। आगे देख लेते हैं किसी दूसरे स्टेट को। तो आप लोगों को पता है कि ODE ऑन डिमांड एग्ज़ाम हर महीने होता है। जब पब्लिक एग्ज़ाम होता है तब ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं होता है। तो पब्लिक एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर अप्रैल में, ये 4 महीने होते हैं, तो 4 महीने ऑन डिमांड नहीं होता है। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि नोएडा में 1 तारीख से एक दिन 400 सीट दिखा रहा है। 400 सीट बहुत अधिक सीट होता है। आप इसमें जल्दी से एडमिशन करवा के सीट अपना कंफर्म कर सकते। जो बच्चे बिहार के नज़दीक हैं वह बिहार में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। भोजपुर दरभंगा गया और पटना और पूर्णिया, इन सब डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है। यहाँ पर भी जनवरी फरवरी और मार्च के लिए पोर्टल खुला हुआ है। इस बार नया सेंटर है बरेली का, जो बरेली के आसपास ज़िला के लोग हैं वह भी
बरेली में सेंटर सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। वाराणसी का सेंटर इस बार नहीं दिखा रहा है, इसलिए वाराणसी के भी बच्चे बरेली में, बिहार में, गया, भोजपुर, पटना या इलाहाबाद सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पटना में आरा में देख रहे हैं कि आरा में जनवरी में 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, सप्ताह में 3 दिन 50-50 सीट दिखा रहा है, इसलिए जल्दी से आप एडमिशन यहाँ पर करवाएं। जो भी जिन सेंटर के नज़दीक के बच्चे हैं वहाँ पर अपना एडमिशन करवाएं और तैयारी करके सेंटर पर जाएं, प्रैक्टिकल दें, थ्योरी वाले में थ्योरी दें और अच्छे अंक प्राप्त करें और अपना साल बचाएं। NIOS का उद्देश्य है कि आप कम से कम समय में अपना एग्ज़ाम देकर साल बचा सकें। किसी कारणवश यदि आपका एग्ज़ाम किसी बोर्ड से फेल हो चुका है या छूट गया है या आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप NIOS की ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आकर एडमिशन करवा के तैयारी करके अपना साल बचा सकते हैं और एडिशनल सब्जेक्ट की डिग्री पा सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट यदि आप भरते हैं तो वहाँ पर TC नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, केवल मार्कशीट मिलता है। तो मार्कशीट प्राप्त करके आप जो मेन एग्ज़ाम पास किए हैं उसके साथ जब इसको लगा देते हैं तो ये वैलिड माना जाता है। हर बोर्ड, हर नौकरी और किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए यह 100% वैलिड होता है। NIOS भारत सरकार का बोर्ड है, इसलिए आप यहाँ पर एडमिशन करवा कर अपना साल बचा सकते हैं और घर बैठे तैयारी करके अपना डिग्री ले सकते हैं। नौकरी करने वाले व्यक्ति भी अपनी डिग्री को बढ़ाकर प्रमोशन पा सकते हैं और कुछ गरीब बच्चे जो हैं यहाँ पर मिनिमम फीस देकर अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि गया डिस्ट्रिक्ट में भी मार्च के लिए हर डेट पर 50 सीट है, तो पर्याप्त सीट इस समय है, हर डिस्ट्रिक्ट में पर्याप्त सीट है, इसलिए आप लोग जल्दी से अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन सीट बुक कर लें या यदि कोई परेशानी होता है तो आप 9453081534 पर व्हाट्सएप करके अपना डॉक्यूमेंट्स, फीस पेड करके एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। और क्या तैयारी करना है उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल में कैसे फाइल बनाना है वह फाइल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेगुलर आप क्लास कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल पाकर कम से कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि हर डेट पर 50-50 सीट अभी खाली है, आज ही यह खुला है। तो इस तरह आप जल्दी से एडमिशन करवाएं और अपना साल बचाएं। चलिए हम देख लेते हैं कि आगे ठीक है। तो हम